हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पढ़ाई डॉट कॉम। एंड आज हम स्टडी करेंगे द प्लांट पैथोलॉजी के द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। AFO सीरीज स्टार्ट है एंड इसमें हम सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं साइंटिस्ट को डिस्कस करूँगी। सो लेट्स जस्ट बिगिन। सो सबसे पहले हम थियोफ्रिस्टस जी के बारे में जानते हैं, दैट ही इज़ अ फादर ऑफ बॉटनी एंड ही रोड द टू बुक्स, द नेचर ऑफ प्लांट्स एंड रीजंस ऑफ वेजिटेबल ग्रोथ। ओके, सो नेचर ऑफ प्लांट्स एंड रीजंस ऑफ वेजिटेबल ग्रोथ। फाइन, जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ बुक्स बिकॉज समटाइम्स इट्स आस्क्ड। लेट्स जस्ट मूव देन। एंटन डीब्री इज फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। सो हु इज द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी? दैट इज एंटन डीब्री। एंड इन्होंने बताया था कि जो फाइटोफ्लोरा इन्फेस्टेंस हैं, दैट इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ टैटो। ही प्रूव्ड दिस थिंग एंड ऑल्सो ही डिस्कवर्ड द हेट्रोशियस नेचर ऑफ ब्लैक रश फंजाई, दैट फंजाई जो है वो सिर्फ अपने, मतलब वो किसी अल्टरनेट होस्ट पे जाती है, वहाँ पे जाकर अपने स्पोर्ट्स को जर्मिनेट होने देती है एंड एवरीथिंग, मतलब वो अपना होस्ट चेंज करती है। इसके बारे में एंटन डीब्री ने बताया था। तो इसमें जो फादर ऑफ बॉटनी, जैसे ये चीज़ें हैं ना, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ बॉटनी, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं दैट हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। सो इट इज़ एंटन डीब्री। एंड देन इज़ रॉबर्ट कोच, ही इज़ फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंड ही डिस्कवर्ड द एटियोलॉजी ऑफ एंथ्रेक्स डिसीज। नाउ द कोच पोस्टुलेट्स में द फर्स्ट स्टेप इज एसोसिएट इनोकुलेट, ये मैंने छोटा करके लिखा हुआ है, आइसोलेट एंड री आइसोलेट। सो इसका मतलब ये होता है कि कोच, पहले हम समझते हैं कोच पोस्टुलेट्स है क्या और कोच कौन थे। रॉबर्ट कोच एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कोच पोस्टुलेट्स दिए थे और इन्होंने बताया था कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है वो, उसको हम कैसे मानेंगे कि यही ऑर्गेनिज्म इसी पर्टिकुलर डिसीज को करता। तो उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे और वो पोस्टुलेट्स है कि वो इस डिसीज के साथ एसोसिएट होना चाहिए। उसके बाद अगर वो उसका इनोकुलम उसमें फाइंड होना चाहिए, ये ऐसे उन्होंने बताया था, और वो आइसोलेट करें तो उस जिस भी चीज़ को वो इन्फेक्ट किया है वहाँ से वो आइसोलेट होना चाहिए, और अगर री आइसोलेट भी करना पड़ेगा फॉर एग्जांपल, तो उसमें भी वो ऑर्गेनिज्म जो पाया जाना चाहिए। ऐसे करके इन्होंने पोस्टुलेट्स दिए थे। नॉट हेयर टू डिस्कस द वेरी डिटेल्ड पार्ट, बट जस्ट रिमेंबर दैट स्मिथ नाम का जो बंदा था, साइंटिस्ट था, उन्होंने फोर्थ स्टेप ऑफ कोच पोस्टुलेट्स दिया था। सो देन PAMA मिलरडार्ट, ही इज the father of, you can say that he discovered Bordis mixture. तो ये first fungicide, आपको पता है that इसकी discovery कितनी remarkable थी और कितना इसने impact डाला in plant pathology field. Then E.J. Butler, now he is a father of Indian plant pathology. This thing you need to remember. The I already told you that जो एंटन डीब्री हैं वो father of plant pathology हैं, but if father of Indian plant pathology आता है, then it is E.J. Butler and he wrote the book Fungi and Diseases in Plants. And also he joined as a director of Imperial Mycology Institute in England. Then Bizernick is the father of virology and इन्होंने बताया था कि जो virus है, that's a contagium vivum fluidum, ये डिस्क्राइब किया था वायरस को ऐसे, कंटेजियम वाइवम फ्लूडम। ओके, लेट्स जस्ट मूव। उसके बाद आते हैं E.F. स्मिथ एंड ही वर्कड ऑन कैंसर इन प्लांट्स एंड ही इज नोन एज फादर ऑफ फाइटोबैक्टीरियोलॉजी। देन W.M. स्टैनले, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने बताया था दैट वायरस का जो क्रिस्टलाइन नेचर होता है, दैट दे कैन बी एक्सट्रैक्टेड आउट एंड दे कैन बी मेड क्रिस्टल्स फ्रॉम वायरसेस आल्सो, वी कैन मेक क्रिस्टल्स आउट ऑफ देम। ओके, सो वी कैन आइसोलेट देम एज क्रिस्टल्स। ऐसे इन्होंने एक टेक्निक वगैरह सब डिस्कवर की थी, इवन ही गोट नोबल प्राइज फॉर दैट इन 1946। And also he worked on crystallizing tobacco mosaic virus and उन्होंने सब virus के ऊपर study किया। Then H.H. Floer, he worked on rust of flax and gene for gene concept इन्होंने दिया था H.H. Floer ने, और इन्होंने ये बोला था for example for every अगर resistant gene अगर host में present है, then there is a gene corresponding to that resistant gene in the pathogen as well.
उसके बाद माइकल ही आते हैं, इज नोन एज फादर ऑफ माइकोलॉजी. एक्चुअली ये सीरीज थोड़ी बिट तेज रहेंगी बिकॉज ये मैं समरी टाइप से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट याद करवा रही हूँ. आप साइंटिस्ट की पहले मेरी वीडियोस बनी हुई हैं उसको देख सकते हैं अगर आपको थोड़ा डिटेल में इसको जानना है. उसके बाद जो कुन है, इन्होंने फर्स्ट टेक्स्ट बुक लिखी थी ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, और इन्होंने ये बुक भी लिखी है डिजीज ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप्स एंड देयर कॉजेज एंड कंट्रोल. उसका नाम है टेस्ट बुक का नाम क्या था, डिजीज ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप्स एंड देयर कॉजेज एंड कंट्रोल. उसके बाद आते हैं वैंडर प्लैंक, और वैंडर प्लैंक ने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट दिया था. उसके बाद आते हैं कॉब, ही इज अ फादर ऑफ नेमेटोलॉजी. सो फाइन, नाउ लेट्स जस्ट मूव टू द इम्पॉर्टेंट diseases, the epidemics that came in the world. सबसे पहला था आयरिश फेमाइन एंड इट केम्स इन आयरलैंड, एंड इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो पैथोजन है दैट इज फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, एंड दिस अकर्ड इन पोटैटो. एंड कॉफी रस्ट का जो ये ना ये मैच की फॉर्म में भी आ सकता है. सो यू नीड टू रिमेंबर दैट दिस इज हेमिलिया विस्ट्रेटिक्स और कॉफी में होता है, एंड इट केम फ्रॉम श्रीलंका. देन इज डाउनी मेल्ड्यू इन फ्रांस, एंड दिस इज प्लाज्मोबेरा विटिकोला. एंड बंगाल फेमाइन जो अक्कर हुआ था दैट केम इन इंडिया. यू जस्ट रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन, आई हैव रिटन दिस इन टेबल सो दैट इन द बिकॉज इन एग्जाम इट कैन कम इन द इन अदर एग्जाम, नॉट AFO बट इन अदर एग्जाम्स इट कैन कम इन द टेबल फॉर्म. ओके, सो द बेसिक कॉजेज ऑफ द बायोटिक कॉजेज ऑफ द डिसीजेज दे आर प्रोक्रियोट्स एंड यूक्रियोट्स. नाउ प्रोक्रियोट्स में मैं आपको पढ़ाऊंगी बैक्टीरिया मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स में MLOs आते हैं, फाइटोप्लाज्म आते हैं, स्पायरोप्लाज्म्स आते हैं, एंड रिकेशिया लाइक बैक्टीरिया आते हैं. एंड यूक्रियोट्स में ये सब आते हैं, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, नेमाटोड्स एंड फ्लावरिंग प्लांट, पैरासाइट्स वगैरह आते हैं. सो जस्ट हम प्रोक्रियोट्स से स्टार्ट करते हैं. सो प्रोक्रियोट्स में क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एंड सेल वॉल उनकी पेप्टाइडोग्लाइकन्स की बनी होती है. द फर्स्ट पॉइंट तो यही आपको पता होना चाहिए दैट इनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन्स की बनी होती है. सो बेसिकली हम जो बैक्टीरिया होते हैं इनको हम डिवाइड कर देते हैं इनटू टू पार्ट्स. द फर्स्ट इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड सेकंड इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. नाउ द थिंग इज दैट द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दे रिटेन द क्रिस्टल वायलेट कलर व्हेन वी डू द कलरिंग. सो दैट्स व्हाई इनका जो आफ्टर जब हम इनको पिगमेंटेशन जब इनका ट्रीटमेंट करते हैं तो इनका कलर ये आता है. इनका कलर क्या आता है, वायलेट कलर, या फिर यू कैन से द वायलेट और ब्लू कलर यू कैन जस्ट से जब इनको तो ये रिटेन कर लेते हैं और इनकी ब्लू कलरिंग होती है. और अगर नेगेटिव बैक्टीरिया होगा उसका रेड कलरिंग आएगा आफ्टर स्टेनिंग. और इनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं इनमें मोनोडर्म प्रेजेंट होती है, दैट मीन्स दे हैव वन सिंगल मेम्ब्रेन एंड दैट्स सराउंडेड बाय पेप्टाइडोग्लाइक. ओके, सो ये इसमें देख सकते हो आप, मैंने जैसे ये मेम्ब्रेन है उसके ऊपर पेप्टाइडोग्लाइकन. सो बेसिकली दे हैव अ सिंगल मेम्ब्रेन, सो दे आर कॉल्ड एज अ मोनोडर्म. ओके फाइन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. और लेकिन जो ग्राम नेगेटिव होते हैं इनमें इनमें क्या होता है, दे हैव टू लेयर्स, टू मेम्ब्रेन्स, एंड बीच में इनके पेप्टाइडोग्लाइकन होता है. फाइन, सो दे हैव थिन लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स. तो बेसिकली इसकी वजह से कलर निकल जाता है. बट इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव दे रिटेन द कलर बिकॉज पेप्टाइडोग्लाइकन जो होती है वो थिक होती है, दैट्स व्हाई. ओके, लेट्स जस्ट मूव टू नाउ द सेकंड वन. जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे हमने बैक्टीरिया के बारे में मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट जानकारी दे दी, अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में. देखिए ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मैं एक्चुअली कवर करना चाहती हूँ बिकॉज वेन एवर यू स्टार्ट विद द सब्जेक्ट यू नीड टू फर्स्ट क्लैरिफाई द बेसिक कॉन्सेप्ट बिकॉज अदरवाइज द सब्जेक्ट जो होगा उसकी कोई वैल्यू इतनी अच्छी नहीं रहेगी फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, सो लेट्स जस्ट बिगेन विद मॉलिक्यूल्स. ओके, सो मॉलिक्यूल्स में हमें थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. जस्ट लुक हेयर द MLOs एंड फाइटोप्लाज्म्स एंड स्पायरोप्लाज्म्स. फाइन, सो लेट्स जस्ट बिगेन एंड मॉलिक्यूल्स दे आर माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स और MLOs. ओके, सो मॉलिक्यूल्स में दो चीज़ें आती हैं. ठीक है, द फर्स्ट इज MLOs एंड सेकेंड इज स्पायरोप्लाज्म्स.
ठीक है. सो मॉलिक्यूल्स एक्चुअली अ ब्रॉडर टर्म है, उसमें दो चीजें आ रही हैं, लाइक एमएलओज जिसको हम फाइटोप्लाज्म्स बोलते हैं, एंड द, और दूसरी चीज क्या आ रही है, स्पायरोप्लाज्म्स आती है. अब जो माइकोप्लाज्म्स होते हैं इनकी बताती हूँ मैं आपको. सबसे पहले तो इनकी डिस्कवरी को किसने, इसको इसको डिस्कवर किसने किया था. सो डियो इटॉल, डोई इटॉल, ही डिस्कवर देम. एंड दिस इज, आपको बैक्टीरिया का बताया, उनमें एक सेल वॉल प्रेजेंट है, बट इन माइकोप्लाज्मा दे डू नॉट हैव सेल वॉल, दे लैक सेल वॉल. सो मेनली ये विचिज ब्रूम, येलोज ऐसी डिजीज को कॉज करते हैं, एंड ऑल्सो दे शो प्लियोमॉर्फिज्म, लाइक दे शेप चेंज चेंज देयर शेप रेडिली. ओके, सो वाई डू दे चेंज देयर शेप, जस्ट थिंक अबाउट इट, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी सेल वॉल, सो दे आर नॉट रिजिड दैट दैट वे, एंड सो दे कैन चेंज देयर शेप रेडिली. सो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, दे आर ऑल्सो नॉट इफेक्टेड बाई पेंसिलिन, एंड बट दे आर, बट आर इनहिबिटेड बाई टेट्रासाइक्लिन. टेट्रासाइक्लिन इनको ग्रो नहीं होने देती है, बट पेंसिलिन का डज नॉट हैव इफेक्ट, बिकॉज पेंसिलिन का जो काम होता है वो बेसिकली सेल वॉल से रिलेटेड होता है कुछ ऐसा. फाइन, सो दे एक्चुअली दे के नॉट बी ग्रोन इन द आर्टिफिशियल मीडिया कल्चर. सो ये इनको हम आर्टिफिशियल मीडिया कल्चर में हम ग्रो नहीं कर सकते हैं, बट स्पायरोप्लाज्म जो होते हैं दे कैन बी कल्चर्ड इन द मीडिया. ओके, सो दीज स्पायरोप्लाज्म जो होते हैं दे आर जीनस ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे हैव द स्पायरल शेप. ओके, एंड दे मूव इन द ट्विस्टिंग मोशन. बस यही फर्क होता है और तो कुछ भी नहीं है. बट लेट्स जस्ट मूव टू यूकेरियोट्स नाउ. फंजाई, फंजाई का तो आई शुड से दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, जिसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, बिकॉज ज़्यादातर जो हम आगे स्टडी करेंगे वो फंजाई ही है जो मेन कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है. एंड एमएलओज भी हैं, बट द फंजाई इज यू नो द ब्रॉडर वन, जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है. लेट्स जस्ट मूव. सो इसमें क्या होता है कि इट इज़ अ नॉन फोटोसिंथेटिक, यू ऑलरेडी नो दैट, बट यू नो दैट इन प्लांट्स द प्लांट स्टोर द फूड एज अ स्टार्च, आपको पता है. ठीक है, ये अगर नहीं भी पता है तो जस्ट नोट इट डाउन. बट जो फंजाई होती है इट स्टोर द फूड एज ग्लाइकोजन. फाइन, अब द बॉडी ऑफ जो फंजाई होती है दैट इज थैलस, एंड द इट्स द मेड अप ऑफ टाइनी फिलामेंट्स जिसको हम हाइफे बोलते हैं, और हाइफे के टेंगल्ड मैट को हम माइसिलियम बोलते हैं. ठीक है, ये एक्चुअली मैं आपको बहुत ज़्यादा डायग्रामेटिकली नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज आई नो यू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एएफओ दैट मीन्स यू हैव स्टडीड इट, बट आई, वी जस्ट नीड टू, कंसेप्ट को हमें रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती है. सो दैट्स द थिंग. ओके, सो इनके जो हाइफे होते हैं उनमें साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, और सेल वॉल काइटिन की बनी होती है. नाउ यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस थिंग दैट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन. एंड अगर हाइफे में क्रॉस वॉल्स होती हैं उनको सेप्टा बोलते हैं, अगर हाइफे में उसको सेप्टा बोलते हैं, अगर हाइफे में क्रॉस वॉल्स होती हैं तो उसको, उस हाइफे को हम बोलते हैं सेप्टेट हाइफे. और अगर हाइफे के में कोई भी क्रॉस वॉल नहीं है, विदाउट सेप्टा है, तो उसको हम सिनोसिटिक या फिर ए सेप्टेट हाइफा बोलते हैं. और सिनोसिटिक वर्ड इज यूज्ड एवरीवेयर, यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर दैट व्हाट इज सिनोसिटिक मींस हाइफे विदाउट सेप्टा, विदाउट क्रॉस वॉल. ओके, सो नाउ वी विल लर्न अबाउट लोअर फंजाई एंड हायर फंजाई में क्या डिफरेंस है सेप्टा में. सो जो बेसिकली लोअर फंजाइज होती है, लाइक मिस्टिगो माइकोटीना एंड जाइगो माइकोटीना माइकोटा, इनमें क्या होता है, दे हैव डू नॉट हैव द, दे हैव ए सेप्टेट हाइफे, दे हैव ए सेप्टेट हाइफे, दे डू नॉट हैव सेप्टा, दे आर विदाउट सेप्टा. बट वेयर इज अ हायर फंजाइज हैज को माइको माइकोटा एंड बायो बेसिडियो माइकोटीना, यू जस्ट दे हैव सेप्टेट हाइफे. सो ओके, सो ओनली दे हैव, अगर उनमें हाइफा प्रेजेंट भी होता है, दे हैव एडवेंटिशियस सेप्टा, दे हैव ओनली एडवेंटिशियस सेप्टा प्रेजेंट, वो भी कब होते हैं, सो दैट समटाइम्स द सेल्स दे गेट ओल्ड, सो उनको न्यू सेल से डिफरेंशिएट करने के लिए, और ये एडवेंटिशियस सेप्टा जो बनते हैं, सो इनमें एक्चुअली सेप्टा में पोर्स नहीं होते हैं. ओके, लेकिन जो हायर फंजाई होती हैं इनमें क्या होता है, दे हैव पोर्स. ओके, ठीक है, और इनमें वेरोनिन बॉडीज प्रेजेंट होती हैं जो कि पोर को
मैं आपको बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, इनमें सेप्टा, ये हाइफे है. ओके, सो इनमें देयर विल बी नो सेप्टा, देयर विल बी नो सेप्टा, फर्स्ट ऑफ ऑल नो सेप्टा. ओके, बट दे हैव द सेप्टा. ओके, बट दे हैव द सेप्टा एंड इट हैज द पोर्स. ओके, एंड देयर इज अ वॉर्नन बॉडी. नाउ दिस स्फेरिकल स्ट्रक्चर इज ए वॉर्नन बॉडी. तो जब ये सेप्टा यहाँ से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो जाएगी, लेकिन ये जो वॉर्निन बॉडी है ये उसको ब्लॉक करने का काम करेगी. अब जैसे ये पोर है, यहाँ पे ये पोर है, सो ये पोर को ब्लॉक करने के लिए यहाँ पे ये वॉर्निन बॉडी, आप जस्ट यू यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, वॉर्निन बॉडी इज टू ब्लॉक द सेप्टल पोर व्हेन कंपार्टमेंट इज डैमेज, टू उसको अलग करने के लिए इसमें वॉर्निन बॉडी जो है वो होती है. चलिए, सो ये समझ आ गया. उसके बाद हम बात करते हैं एनास्टोमोसिस की. तो मतलब क्या होता है, जब क्या होता है दैट देयर इज अ फ्यूजन ऑफ ब्रांचेस बिटवीन सेम और डिफरेंट हाइफे. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए हाइफा एंड दिस इज ए हाइफा. सो दे जस्ट इट्स अ फ्यूजन एंड इट मेक्स द एच पीसीज आर फॉर्म. सो ये राइजोकोटोनिया में होती है, इसको हम बोलते हैं एनास्टोमोसिस. देन देयर आर क्लैम्प कनेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज दिस इज अ हाइफा एंड ये एक सेल है उसका एंड दिस इज द सेकेंड सेल एंड दे मेक अ काइंड ऑफ सम कनेक्शन. दिस इज द कनेक्शन दैट आई हैव शोन यू. तो दिस इज कॉल्ड एज अ क्लैम्प कनेक्शन. देन इज अ ब्रांचिंग ऑफ हाइफे. नाउ डाइकोटमीज, ब्रांचिंग होती है लिटरल, मोनोपोडियल एंड सिंपोडियल. सो डाइकोटमीज में क्या होता है, दे जो एपेक्स होता है, फॉर एग्जाम्पल इट्स ग्रोइंग, ये रुक जाएगा यहाँ पे एंड इट डिवाइड इन टू टू ब्रांचेस. सो ये टू ब्रांचेस डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, जो ब्रांचिंग लेटरल होती है, इसमें ब्रांचेस जो होती हैं वो ज़्यादातर एक ही साइड को जैसे कंसंट्रेटेड ज़्यादा होती है. ठीक है, इस तरह से, कुछ इस तरह से. उसके बाद आती है ना मोनोपोडियल. इसमें क्या होता है कि जो एपेक्स होता है वो नहीं सप्रेस होता, इट ग्रोज, लाइक ये जो एपेक्स है ये चलता रहेगा, ये ग्रो करता रहेगा. ठीक है, और इसके साथ साथ ये एक्टिव लेटरल ब्रांचेस जो हैं वो भी निकलती रहेंगी. ठीक है, दिस इज मोनोपोडियल. सिंपोडियल में क्या होता है, ये जो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये रुक जाएगा. ओके, एंड यहाँ से जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से आगे, फिर ये रुक जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ से निकलने लग जाएंगी ब्रांच. ठीक है, ऐसे करके ये चलता ही रहता है, इसको बोलते हैं सिंपोडियल ब्रांच. चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट. नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाइफल एग्रीगेशन, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट है जो समझने वाला है. इसमें क्या होता है, द फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट टॉक अबाउट स्ट्रोमा. सो स्ट्रोमा के ऊपर क्या होता है, द फ्रूटिफिकेशन इज फॉर्म्ड. सो फ्रूटिफिकेशन आर फॉर्म्ड ऑन द स्ट्रोमा. फर्स्ट इज स्ट्रोमा और इसके आगे चार टाइप्स हैं. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज सिक्लोशियम, थर्ड इज राइजोमोर्फ एंड फोर्थ इज माइकोराइजा. सो दिस इज हाइफल एग्रीगेशन. हाइफल एग्रीगेशन का क्या मतलब है कि जैसे हाइफा मैंने आपको बता दिया, अब फंजाई जो होती है इट ऐसे नहीं है कि एक एक हाइफा पड़ा है, वो कई बार अलग अलग फॉर्म्स लेता है, तो एग्रीगेशन में होता है. इसके ऊपर वो फ्रूटिफिकेशन, लाइक फॉर एग्जाम्पल उसने स्पोर्स बनानी है, तो वो ऐसे हाइफा इकट्ठा होता है, एक एग्रीगेशन बनाता है, उससे स्पेशलाइज होता है, देन फ्रूटिफिकेशन उसके ऊपर होती है. समझ गए. अब सबसे पहली टाइप होती है स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा की चार टाइप्स है, जिसमें सबसे फर्स्ट है सिनेमा, सेकेंड इज स्पोरोडोची एंड थर्ड इज पिकनीडिया एंड एस्ट्रोगोलस. अब पिकनीडिया इसको तो पक्का ही सुना होगा. बेसिकली अगर वो ठीक है, कनीडियोफोर्स जो होते हैं दे ज्वाइन एट द बेस एंड फ्री एट द टिप, दैट इज कॉल्ड एज द सिनेमा. और इसका दूसरा नाम है कोरेमिया. ठीक है, और अगर वो कुशन लाइक मास बनाते हैं देन इट्स कॉल्ड एज स्पोरोडोकिया. एंड अगर वो फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं देन इट्स कॉल्ड एज पिकनीडिया. एंड अगर वो कप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं सो दैट्स कॉल्ड एज द सॉसर शेप्ड और कप शेप्ड. ठीक है, सो बेसिकली अगर मैं आपको थोड़ी डायग्राम दिखाना चाहूँ बना के, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे बेस से कुनीडिया जो होते हैं दे ऑल आर joined from here but they are released from the
टॉप, दे फॉर फ्री फ्रॉम द टॉप एट द टिप. सॉरी मैं अच्छा नहीं बना सकती हूँ बिकॉज ये थोड़ा मेरे से ऐसे चलता है. ओके सो अगर मैं आपको स्पोरोडोचिया बना के दिखाऊँ, तो स्पोरोडोचिया जो होता है दैट्स कुशन शेप्ड काइंड ऑफ. सो कुशन शेप्ड होता है एंड स्पोरोडोकिया में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये दिस इज द वन, ये पहले नीचे कुशन शेप स्ट्रक्चर होगा, उससे आगे से हाइफे जो है वो निकलेंगे. ओके सो दिस इज द स्पोरोडोचिया, यहाँ पे भी हाइफे 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 होंगे. उसके बाद पिकनीरिया आता है जिसमें ये थोड़ा सा, ओ सॉरी, पिकनीरिया में क्या होता है ऐसे एंड गोल, उसके बाद ऐसे, ठीक है. सो दिस इज फ्लास्क शेप, जैसे फ्लास्क होता है वैसा दिखता है. ओके एंड असरवुलस, नाउ असरवुलस में क्या होता है, असरवुलस में दे आर कापोर सोर्सर शेप. सो ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा यहाँ पे, यहाँ से कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, नॉट प्रॉपर कप शेप, जस्ट रिजेम्बलिंग दैट. ओके सो नाउ जस्ट लेट्स मूव टू सिक्लोरोशियम. सो इसमें क्या होता है, द हार्डन मास सिक्लोरोशिया एंड असरवुलस तो आपने बहुत सुना होगा, पिकनीरिया भी, तो ये आपको आज समझ में आ गया होगा अच्छे से दैट दीज आर द हाइफल एग्रीगेशन. ओके तो ये भी राइजोकोटोनिया में जो है वो ज़्यादातर अवेलेबल रहता है, दे आर एबल टू सर्वाइव द सिक्लोरोशियम. बेसिकली हार्डन फंगल माइसिलियम होता है, ज़्यादातर एडवर्स कंडीशंस में बनता है. सो राइजोमोर्फ की बात करते हैं, राइजोमोर्फ जो होता है वो डेंस मास होता है हाइफे का, और इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है इन मैनी फंजाइज, ठीक है. और इसमें क्या होता है, जस्ट माइक्रो इट्स लाइक डेंस मास, इट रिजेंबल्स रूट लाइक स्ट्रक्चर इन मैनी फंजाई विच ग्रोज थ्रू द सॉइल फ्रॉम द रूट्स ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट टू द नेबरिंग प्लांट्स. बेसिकली ये रूट्स की तरह दिखता है थोड़ा थोड़ा, और रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है इन मैनी फंजाइज, ठीक है, और डेंस मास होता है, ये बात याद रखना बस इसमें. ओके एंड सो ये एग्जाम्पल है इसकी. ओके उसके बाद हम बात करते हैं माइकोराइजा. तो ये जो माइकोराइजा है दैट फंगस दैट ग्रोज इन एसोसिएशन विद रूट्स ऑफ प्लांट इन सिम्बायोटिक रिलेशन. माइकोराइजा तो बहुत पुराना है, बहुत अच्छे से याद हो गया होगा दैट व्हाट इज माइकोराइजा. सो ये आपको पता होगा, एक्टोमाइकोराइजा एंड अरबेस्कुलर माइकोराइजा, ठीक है. सो जो ये प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं, प्लांट्स को इनकी वजह से फायदा होता है, इनको प्लांट की वजह से फायदा होता है, ये फॉस्फोरस को सोलबलाइज करते हैं, प्लांट इजीली अवेलेबल हो जाती है, दिस थिंग. ओके ओके सो नाउ देर आर सम स्ट्रक्चर्स इन द हाइफल एग्रीगेशन समटाइम्स फाउंड. सो दिस इज लाइक फॉर एग्जाम्पल राइजोइड्स आर फाउंड. सो वट इज राइजोइड, यू जस्ट लुक हेयर दैट द फिलामेंट्स, ओके, जिनकी वजह से ये वेजिटेटिव बॉडी टिकी होती है ऑर्गेनिज्म के साथ, तो इसको बोलते हैं राइजोइड्स. और अगर जो हॉरिजॉन्टल हाइफे होता है जो उसको स्प्रेड करने में मदद करता है, उसको हम स्टोलन बोलते हैं, ठीक है. सो इसकी एग्जाम्पल देख लो, ये छूट गया था, राइजोपस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टोलन. ओके नाउ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे. और दो तरह से रिप्रोडक्शन होती है फंजाई में, द सेक्शुअल एंड ए सेक्शुअल. सो नाउ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, सो इसमें बेसिकली कौन कौन से स्पोर्स आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल द क्लमाइडो स्पोर्स आर देयर. ओके देन ओइडिया और यू कैन से द आर्थ्रोस्पोर्स आर देयर. ओके देन बडिंग, बडिंग से भी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है, फ्यूजन से होती है. देन ए सेक्शुअल स्पोर्स कौन से हैं, द कुनीडिया एंड स्प्रोंजिया. अगर आपको आज तक कन्फ्यूजन होती रही है कि कुनीडिया एंड स्प्रोंजिया क्या है, सेक्शुअल है सेक्शुअल है, जस्ट रिमेंबर दैट स्प्रोंजिया एंड कुनीडिया दे आर ए सेक्शुअल स्पोर्स इन फंजाई. फाइन सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट टॉक अबाउट आर्थ्रोस्पोर्स. आर्थ्रोस्पोर्स में आप देख सकते हैं दीज आर आर्थ्रोस्पोर्स, ये बेसिकली हाइफे है, और हाइफे जो है वो फ्लैट एंड में टूटा है, मतलब फ्लैट एंड मतलब स्क्वायर शेप जैसे आप दिख रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर से गोल होगा कुछ होगा ऐसा थिंग. ओके सो नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट क्लमाइडो स्पोर्स. दे आर एक्चुअली थिक वॉल्ड एंड देर रिजर्व फूड एंड दे बेसिकली दे फॉर्म अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन, दिस यू ऑलरेडी नो.
Let's just talk about Coniria. They are produced externally and spongiophores are produced internally. Just look here. This is a conidiophore. Conidiophore मतलब वो branch जिसके ऊपर conidia लगते हैं, grow करते हैं, okay? So ये externally दिख रहा है ना आपको, externally produce हो रहे हैं. But spongios जो spongium में होते हैं, spongia और spores होते हैं, वो internally born होते हैं. ये यहाँ पे अंदर, यहाँ पे ये सारे क्या है, spongia है, ठीक है, स्प्रिंजियम स्पोर्स है. सो बेसिकली स्प्रिंजिया ये स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर इज अ स्प्रिंजिया और इसमें जो यहाँ पर स्पोर बनी है, दैट्स दे आर प्रोड्यूस्ड इंटरनली, दैट्स आई वांट टू से. उसके बाद जो सेक्सुअल स्टेज ऑफ फंजाई होती है उसको हम टीलियल मॉर्फ बोलते हैं, लेकिन अगर ए सेक्सुअल स्टेज इन फंजाई होगी दैट्स कॉल्ड एज एनामॉर्फ, रिमेंबर दिस थिंग, ओके. सो जो एस्कोमाइकोटा होता है, ठीक है, उनके उनके पास दे हैव इधर वन और टू, मतलब उनके पास दोनों स्टेजेस हो सकती हैं. उसके बाद हम बात करते हैं द थैलस टाइप ऑफ फंजाई. ओके, सो नाउ फंजाई जो होती है उसके होलोकार्पिक भी हो सकती है, यूकार्पिक भी हो सकती है. अगर उसका थैलस, सारा थैलस जो है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए, दैट्स कॉल्ड एज होलोकार्पिक. अगर उसका थैलस कुछ पार्ट जो है वो वेजिटेटिव रहे और कुछ पार्ट जो है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में चेंज हो, तो उसको हम यूकार्पिक फंजाई बोलते हैं. नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द मोड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, एंड दीज आर फाइव मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. द फर्स्ट इज प्लेनो गैमेटिक कॉपुलेशन, मतलब दो गमीट सारे हैं आपस में फ्यूज कर रहे हैं एंड दे आर मेकिंग द नेक्स्ट प्रोजेनी, दैट्स सिंपल प्लेनो गैमेटिक. ओके, सो इसमें आइसोगैमी में मतलब क्या है कि दोनों सेम गमीट सारे हैं, मेल एंड फीमेल दोनों सेम हैं, उनमें बिल्कुल सेम है और वो मिल रहे हैं एंड देन दे आर मेकिंग द न्यू प्रोजेनी. एंड आइसोगैमी में क्या है कि द गमीट्स का साइज दैट्स डिफरेंट एंड प्लस दे आर मोटाइल. ओके, सो हेट्रोगैमी में क्या होता है कि दे आर नॉन मोटाइल एंड फीमेल का जो गमीट का साइज होता है वो बड़ा होता है, मेल का जो गमीट का साइज होता है वो शॉर्ट स्मॉल होता है. अब हम बात करेंगे गैमिट एंजल कॉन्टैक्ट के बारे में. ओके, सो इसमें क्या है, यू कैन जस्ट लुक हेयर दैट दिस इज अ फीमेल, दैट्स ऊगोनियम, इट्स कॉल्ड एज ऊगोनियम, एंड मेल दैट्स कॉल्ड एज एंथ्रीडियम, एंड दे मेक द फर्टिलाइजेशन ट्यूब. सो दिस इज हाउ, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गैमिट एंजल कॉन्टैक्ट. नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंड थ्री एवरीथिंग मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, बिकॉज समटाइम्स वी आर कन्फ्यूज. देन गैमिट एंजल कॉपुलेशन में क्या होता है, तो बेसिकली इसमें मेल एंड फीमेल दे कम टुगेदर एंड दे जस्ट फ्यूज एंड नॉट मेक एनी काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन ट्यूब एंड मेक द न्यू प्रोजेनी. देन इज स्पर्माटाइजेशन, और इसमें क्या होता है दैट देयर इज फंजाई और वो स्पर्मिशिया बनाती हैं, ठीक है, और ये दूसरे जो रिसेप्टिव हाइफे के साथ जाके ज्वाइन करता है एंड देन दे मेक दिस न्यू यू नो द न्यू रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन एंड देन फर्दर उसका प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है. देन इज सोमेटोगैमी, इट्स बेसिकली सिंपल टू सोमेटिक सेल्स ऑफ फंजाई दे कम एंड दे इन्वॉल्व इन द प्लाज्मोगैमी, एंड प्लाज्मोगैमी मतलब उनका वो, ठीक है, दे मेक देयर प्लाज्मा जो है उनका वो मिलता है एंड देन दे मेक द डायकैरियोटिक हाइफे, जस्ट सिंपल टू सेल्स दे मेट एंड दैट्स इट. ओके, उसके बाद आता है प्रोटोजोआ. अब आपको हमने क्या पढ़ा दिया, अभी फंजाई जो है मैंने यूकैरियोट्स का ख़त्म किया था, अभी दिखाती हूँ आपको हमने क्या पढ़ा. हमने इतना कुछ पढ़ लिया है बट आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू दैट यूकैरियोट्स में हमने फंजाई, अभी बैक्टीरिया मॉलिक्यूल्स एंड ये हमने सॉरी कवर नहीं किया है, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे. फंजाई किया था, प्रोटोजोआ अभी स्टार्ट होगा और ये एल्गी एंड नेमाटोड्स ये सब कुछ कवर करेंगे. चलो लेट्स मूव. प्रोटोजोआ दे आर द फर्स्ट एनिमल्स बिकॉज ओके सो दे आर यूनिसेलुलर बट दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. मैनी ऑफ देम दे आर मोटाइल एंड शो मूवमेंट्स लाइक एनिमल्स. So basically, that's why they are called as first animals. Now the another point that you need to remember that they have a body covering, जिसको हम बोलते क्या है, पेलिकल बोलते हैं, और वो
जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनको शेप में रखती है, उनकी लोकोमोशन में हेल्प करती है. देन इज एल्गे. एंड एल्गे में क्या है दैट इट्स अ टिपिकल ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म एंड इट हैज़ इट कैन बी यूनिसेलुलर, इट कैन बी मल्टी सेलुलर, इट दे कंटेन क्लोरोफिल बट दे डू नॉट लैक बट दे डू नॉट कंटेन डू नॉट हैव ट्रू स्टेम्स और रूट्स और लीव्स एंड एवरीथिंग. ओके सो रेड रेस्ट ऑफ मैंगो होती है, जो कवावा पपाया होती है, वो एक एल्गीज डिसीज के कारण होती है. ठीक है, एल्गी से एल्गीज के कारण होती है. नेमाटोड जो होते हैं वो उनमें कोई सेगमेंट नहीं होता, ये आपको पता होगा. एंड दे बेयरली दे हैव दे आर बेयरली विजिबल विद द नेकेड आई, वी नीड माइक्रोस्कोप टू सी देम. ओके, इनके बॉडी स्ट्रक्चर हैं दैट दे आर अनसेगमेंटेड, नॉट डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, दैट इज बॉडी इज आइडेंटिकल इन साइड, बिकॉज फॉर एग्जांपल इफ यू कट देम फ्रॉम सेंटर दे विल बी डिवाइडेड इक्वल इन बोथ द साइड्स. दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दैट मीन्स दे हैव एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. सो द डिजेस्टिव सिस्टम इनका कैसा होता है, द फर्स्ट इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, स्टोमेटिडियम, देन इज इंटेस्टाइन, देन इज प्रोक्टोडिडियम. प्रोक्टोडियम, सो स्टोमेडियम में क्या है कि माउथ एंड लिप्स आते हैं, माउथ कैविटी को स्टोमा बोलते हैं, फेरिंग्स इसोफेगस आता है, एंड स्टोमा कंटेन्स स्टाइलेट. नाउ जो चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट करी हैं दे ऑल आर इम्पॉर्टेंट. स्टाइलेट क्या होता है, जो जितने भी होस्ट होते हैं उनको पेयर्स करने के लिए, ताकि चुभो के उनको फॉर एग्जाम्पल अपना फूड लेना चाहता है, तो ये उसके लिए होता है. सो इंटेस्टाइन में वही ऑब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को. प्रोक्टेडियम में सारा वेस्ट जो है एक्सक्रीट कर देता है. सो करेक्टरिस्टिक्स एंड द स्पोर्ट सिस्टम्स, सो बेसिकली ये उनके नेमाटोड्स की करेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है यहाँ पे, कि ये कैसे ऑक्सीजन लेते हैं, थ्रू डिफ्यूजन लेते हैं. इनका जो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटल सिस्टम होता है, लाइक दे आर fluid filled cavity is there surrounded by muscles, and the fluid and surrounding muscles they produce movement. Basically kehna kya chahte hain ki inke jo fluid filled cavity hoti hai, theek hai, that's surrounded by muscles, that's why it's called as hydrostatic skeletal system they have. Okay, they have tube within tube system. Also the nematodes, you can just remember the name, the cyst nematode. I'm so sorry. The cyst nematode is Heterodora and Globigera. Mylodogeny to yaad hoga, that's root knot. And wheat gall nematode is Anguina triticais. Tundu disease karta hai wheat mein. And root lizard nematode is Pretilensis species. Then is phanerogamic plant parasites. To ye parasites hote hain host pe. Theek hai? They are flowering plants, but phanerogamic matlab flowering. पैरासाइट मतलब ये होस्ट के ऊपर पैरासाइट होते हैं, तो ये होस्टोरिया प्रोड्यूस करते हैं प्लांट से फूड को सक करने के लिए. ओके, बट दे डू नॉट हैव एनी क्लोरोफिल और डिपेंड ऑन द होस्ट फॉर देयर न्यूट्रिशन. ओके, सो ये जो ये वाला चीज़ है ना, ये तो पक्का याद करने लायक है, ये आता ही है. मैंने इसको कैसे याद किया, क्लोज से, CLOS. सो सी मतलब कस्क्यूटा, एल मीन्स लोरेंथस, O means Orobrachii and S means Striga. So basically ये मैंने stem parasites और root parasites में को लिखा है, और ये examples exam में granted आती ही आती हैं. You need to remember it very properly. Okay, so अब हम बात करते हैं कि जो ये pathogens होते हैं कैसे survive करते हैं. Okay, so ये तीन ways हैं जिससे ये सर्वाइव कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज दैट दे इन्फेक्ट द लिविंग प्लांट. ओके, और दे लिव इन द होस्ट. ओके, एंड द रिजर्व एज ए इनोकुलम, दे कैन लिव इन द होस्ट. दे सेकेंड थिंग इज दे कैन लिव आउटसाइड द होस्ट प्लांट. थर्ड इज दे हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स इन और इन इनसाइड द होस्ट. सो फंजाई कैसे रहती है, पहले तो वो अपना इनोकुलम छोड़ देती है रिजर्वायर होस्ट में. ठीक है, रिजर्वायर ऑफ इनोकुलम, नॉट मतलब पूरा उसको भंडार इनोकुलम का छोड़ देती है होस्ट में. अगर वो कल्टीवेटेड होस्ट में, जिसको हम पेरेनियल होस्ट भी बोलते हैं, सीजनल होस्ट भी बोलते हैं, उसको हम कल्टीवेटेड होस्ट भी बोलते हैं. ठीक है, तो उसमें छोड़ती है, देन वो एग्जांपल आपको बता रही है. ठीक है,
तो ये है पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स। अगर वो ऐसे होस्ट में छोड़ती है जो कि फैमिली से, उसकी फैमिली से जो उसका होस्ट है उससे डिफरेंट है, मतलब होस्ट से जो अल्टरनेट होस्ट होता है उसकी फैमिली जो होती है वो डिफरेंट होती है, दैट्स कॉल्ड एज अल्टरनेट होस्ट। अगर वो सेम ही फैमिली के होस्ट में छोड़ के आती है अपना इनोकुलम, दैट्स कॉल्ड एज कोलेट्रल होस्ट। ओके, सो इसमें क्या है, द राइजोक्यूटोनिया इज एग्जाम्पल ऑफ द अल्टरनेट होस्ट एंड द रेस्टिंग स्पोर्स ऑफ द, अब कोलेट्रल होस्ट जैसे सिंपल सी एग्जाम्पल है कि जो टीलियोस्पोर्स होती हैं सीरियल रस्ट फंजाई के, पक्सिनिया ग्रामिनिस टिटिकाई के, वो वीट के ऊपर सर्वाइव करती है, उसका कोलेट्रल होस्ट हिल्स में रहता है, दैट्स उसमें अपनी यूरिडियल स्टेज जो है वो वहाँ पे होती है उसकी अवेलेबल, ये आपको बताया हमें रस्ट में नॉर्मल। ओके, उसके बाद ये आउटसाइड द होस्ट भी रहती है, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट्स आर कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग एज सेप्रोफाइट्स ऑन द प्लांट डेब्रिस एंड सॉइल, दैट्स कॉल्ड एज, देन इज डॉर्मेंट स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सॉइल बॉर्न फंजाई एंड सीड बॉर्न। सो सॉइल बॉर्न फंजाई जैसे वॉर्ट्स ऑफ पोटैटो में और वीट का लूज मट, दैट्स सीड बॉर्न। आई विल इसके बारे में हम और भी डिस्कशन करने वाले हैं आगे जाके। ओके, उसके बाद डॉर्मेंट स्ट्रक्चर जैसे पाउडरी मिल्डी ऑफ एप्पल्स एंड ये सब कुछ क्या है, उनके डॉर्मेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं वो होस्ट प्लांट के ऊपर होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज बैक्टीरिया। इनके कोई रेस्टिंग स्पोर्स नहीं होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो सीड में जाके सर्वाइव करते, फॉर एग्जाम्पल ज़ैंथोमोनास ओराइज़ी है, आपको पता है राइस के सीड में जाता है, मालवीशियरम ये आपको पता ही है ये कॉटन के सीड में जाता है, उसके बाद फिजोली ये बीन के सीड में जाता है, सूडोमोनास सिरिंजई होता है जो कि टमाटो के सीड पे जाता है फॉर 20 ईयर्स, ये इट कैन इवन सर्वाइव फॉर 20 ईयर्स इन टमाटो सीड। ओके, नेक्स्ट इज द सर्वाइवल इन द प्लांट रेजिड्यू, फॉर एग्जाम्पल कॉर्नी बैक्टीरियम एंड मालवीशियरम ज़ैंथोमोनास सर्वाइव इन कॉटन रेजिड्यू ऑल्सो, देन दे कैन सर्वाइव इन सॉइल ऑल्सो। यू नो दैट एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशन ये क्राउन गोल्ड डिसीज कर देता है, एंड रेलस्टोनिया जो होता है दैट इज बैक्टीरियल विल्ट ऑफ सोलेनेशियस क्रॉप्स कर देता है। देन इन द पेरेनियल होस्ट दे कैन ऑल्सो लिव, फॉर एग्जाम्पल ज़ैंथोमोनास सिप्राई ऑन द इन्फेक्टेड ट्रीज इट कैन लिव, एंड दिस अरविनिया माइलिवोरा इट कैन फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर, दिस सर्वाइव्स इन द ट्विग्स एंड बर्ड्स। इंसेक्ट में भी ये रह सकता है, फॉर एग्जाम्पल एडवीनिया क्रोटोवेरा जो है वो कॉर्न के मैगट के इंसेक्ट होता है जो कॉर्न मैगट, उसमें भी रह सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेमाटोड्स कैसे सर्वाइव करते हैं, उनके डॉर्मेंट स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, द फर्स्ट इज एग्स, सेकेंड इज सिस्ट एंड थर्ड इज गॉल्स एंड कोकल्स, एंड ये ऐसे सर्वाइव करते हैं। सो इनके जो नेमाटोड्स जो होते हैं इनमें क्विसेंस स्टेज होती है जिसमें ये सर्वाइव कर सकते हैं अंडर द एडवर्स कंडीशंस, ठीक है। सो लार्वे जो होते हैं वो क्विसेंट स्टेज में चले जाते हैं, एक एडेप्टेशन होती है जिससे ये सर्वाइव कर सकते हैं इन द एडवर्स कंडीशंस, ठीक है। सो दे कैन स्विच फ्रॉम वन क्रॉप टू अनदर ऑल्सो, इन केस ऑफ द सिस्ट नेमाटोड्स लाइक ग्लोबेडर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इज अ सिस्ट नेमाटोड, दे आर होस्ट स्पेसिफिक, दे सर्वाइव फॉर सिस्ट फॉर मैनी ईयर, मतलब सिस्ट बना के ये बहुत साल तक रह सकते हैं। उसके बाद आते हैं जो फिनेरोगेमिक प्लांट पैरासाइट्स होते हैं, ये अपने ये दे प्रोड्यूस सीड लाइक, जस्ट लाइक एनी अदर फ्लावरिंग प्लांट, एंड थ्रू द सीड्स दे कैन सर्वाइव 4 ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स। ओके, सो देन इज सर्वाइवल ऑफ वायरसेस, आपको पता है होस्ट ढूंढते हैं वहाँ पे जाके रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल पोटैटो वायरस एंड ट्यूबर्स एंड दिस यू नो, एंड देन दे डू ओवर विंटरिंग और ओवर समरिंग, फ्रॉम वन ग्रोइंग सीजन टू अनदर दे कैन सर्वाइव। देन इज डिस्पर्जल ऑफ प्लांट पैथोजन्स, सो डिस्पर्जल कैसे होता है प्लांट पैथोजन्स का, डिस्पर्जल मतलब एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, सो विंड से जा सकते हैं, रेन से जा सकते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह से जा सकते हैं, एंड द डायरेक्ट और ऑटोनॉमस वे क्या है, द सॉयल सीड एंड प्लांटिंग मटीरियल, बट पैसिव और इनडायरेक्ट क्या है, बाय मैन इंसेक्ट्स और नेमाटोड्स। सो ओके, सो सॉयल बोर्न है जैसे पीथियम हो गया, फ्यूजेरियम हो गया, फाइटोप्थोरा हो गया, लेकिन अगर वहीं हम अगर बात करें सीड बोर्न की तो एक्सटर्नली सीड बोर्न भी हो सकते हैं, इंटरनली भी हो सकते हैं। इंटरनली की एग्जांपल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लूस मट, ठीक है, ये मैंने पहले भी स्टार लगाया था। उसके बाद आते हैं
they have the external also they can go and they have concomitant infection can also occur. So basically उसके बाद आते हैं प्लांट और प्लांट ऑर्गन्स, इनमें भी ये सर्वाइव कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ द ट्रू सीड वेजिटेटिव पार्ट्स यूज फॉर द प्रोपगेशन हेल्प इन डिस्पर्टर. ठीक है, उसके बाद जैसे जितने भी वायरस एंड ब्रॉयड डिजीज होती हैं वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड क्रॉप्स उनके साथ जा सकते हैं. जैसे लेट ब्लाइट है ट्यूबर्स के साथ जा सकता है, सिंपल सी बात है. मतलब इंस्टेड ऑफ ट्रू सीड की बजाय ये वेजिटेटिव पार्ट्स में जा सकते हैं फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर. ओके, सो उसके बाद पैसिव डिस्पर्सल है, जैसे मैन कर सकता है अपनी एक्टिविटीज के साथ, इंसेक्ट कर सकता है, उसके बाद नेमाटोड्स. ठीक है, और फंजाई, तो सो दिस इज अ पैसिव डिस्पर्सल. फॉर एग्जांपल लाइक फंजाई जो होती है ऑल्पीडियम ब्रासिकी, इट कैन ट्रांसमिट वायरल डिजीजेस लाइक लेटस बिग वेन एंड दिस टबैको निक्रोसिस, टबैको स्टैंड. एयर से जा सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है स्मट जा सकती है, रस्ट जा सकती है, पाउडरी मिल्ड्यू जा सकते हैं, और वाटर से भी जा सकते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट, तो वाटर से जो जाती है ना, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोकोरी, दिस इज नॉन एज हाइड्रोकोरी. एंड इसकी एग्जाम्पल्स क्या है, दिस इज रेड रॉट ऑफ शुगर केन, क्लोटोट्राइकम. सो दिस वॉज ऑल अबाउट the basic concepts of plant pathology, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी बताई जो आपको नहीं भी पता होंगी. अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द चैनल जस्ट सब्सक्राइब द चैनल. ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय.